झुंझुनू सीकर की सीमा पर खेत में पुलिस की रेड। सीकर के बेरी सीमा पर खेत में पुलिस की रेड। एक कमरे में संचालित मिला देह व्यापार का अड्डा। पुलिस ने मौके से युवक युवती को लिया हिरासत में। ग्रामीणों ने नवलगढ़ पुलिस को दी थी सूचना। पुलिस को देख तीन युवक मौके से भागने में हुए कामयाब। दादिया पुलिस का इलाका होने से दादिया पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। सीकर की दादिया पुलिस युवक युवती से कर रही पूछताछ। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने ढाका की ढाड़ी के रास्ते में बेरी सीमा पर स्थित एक खेत में बने कमरे में युवक युवती को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है। दोनों को दादिया पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार ढाड़ी के लोगों को सूचना मिली कि खेत में एक लड़की व तीन चार लड़के आए हुए हैं। ग्रामीण मौके पहुंचे तो खेत में रखवाली कर रहा व्यक्ति व दो तीन युवक मौके से भाग निकले। ग्रामीणों को एक कमरे में एक युवक व युवती मिले। देह व्यापार की आशंका की सूचना पर नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दादिया थाने की सीमा होने के चलते दादिया पुलिस को सूचना दी गई। दादिया पुलिस मौके पर पहुंची और युवक व युवती को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए रवि नाम के युवक ने बताया कि उसके साथ दो तीन लड़के भी साथ थे। रवि ने बताया कि वह स्पा सेंटर चलाता है। युवती ने पुलिस को बताया कि तीन युवक दिल्ली से उसका अपहरण करके लाए हैं। युवकों ने नशीली दवाई पिलाकर उसे कमरे में बंद कर दिया था, उसके बाद यहां ले आए। तलाशी में पुलिस को कमरे में आपत्तिजनक सामान भी मिला। आपको बता दें कि कैफे में छोटे छोटे केबिन बनाकर प्रेमी जोड़ों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी मिली है। शहर के कुछ कैफे संचालक केबिन में अनैतिक कारोबार को बढ़ावा देने के साथ केबिनों में खाने पीने का सामान दोगुनी कीमत पर देते हैं तथा केबिनों के प्रति घंटे के हिसाब से मोटा चार्ज भी वसूलते हैं। शहर में अवैध रूप से स्पा सेंटर चल रहे हैं। होटलों में लड़कियों का बेरोक टोक आना जाना लगा रहता है। इसकी जानकारी पुलिस को होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। इन अवैध स्पा सेंटरों व होटलों पर अनैतिक काम भी होते हैं। पुलिस की लगातार गश्त भी इस इलाके में चलती रहती है, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगी। पुलिस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। नवलगढ़ में अन्य कई ऐसी जगहों पर अनैतिक गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इस कारण नवलगढ़ में सेक्स रैकेट पनप गया। धन्यवाद। इसकी सूचना पर ले आया कल को पड़ा है दादिया थाना को। तो एक लड़को और एक लड़की है, थाना पर ले जाए पूछताछ करा। ठीक है।